दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक महिला ने पति के भाग जाने के बाद पुलिस थाने में जहर खा लिया। मामला मोतिहारी जिले का बताया जा रहा और 3 महीने पहले प्रेम विवाह किया गया था। 4 दिन से पति बिना बताए चला गया था। महिला उसे ढूंढने की गुहार पुलिस के सामने लगा चुकी है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि दोनों के बीच अनबन हुई थी। पुलिस अभी इस बात की जाँच कर रही है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर अनबन हुई थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय को लेकर पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। खास तौर पर बिहार में इसका असर देखा जा रहा है। बिहार के बीजेपी नेताओं ने एक सुर से इसका विरोध किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने केजरीवाल सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी को भी छठ करने से रोक नहीं सकते। अगली बड़ी खबर, पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने जक्कनपुर थानेदार कमलेश प्रसाद शर्मा को सस्पेंड कर दिया। कमलेश पर यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति उजागर होने के बाद की गई। एसएसपी ने कार्रवाई की पुष्टि की है और जब पटना के फ्लैट और सारण के घर पर छापेमारी चल रही थी तब एसएसपी ने इंस्पेक्टर को थानेदार के पद से हटा दिया था। जब उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से आई तो पटना पुलिस ने सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी। अब कमलेश प्रसाद शर्मा पुलिस लाइन में ड्यूटी करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार के छपरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला मुखिया का चुनाव हार गई तो उसके पोस्टमैन पति ने बटने के लिए डाकघर से आए आधार कार्ड जला दिए। आधार कार्ड ग्रामीणों के थे। इस घटना का किसी गांव वाले ने वीडियो बना लिया जो तेजी से वायरल है। वीडियो में पोस्टमैन आधार कार्ड के साइज वाले कार्ड के बंडल जलाता नजर आ रहा। अगली बड़ी खबर, 2016 में पटना के दीपावली बाजार से गायब हुई चाइनीज लाइट एक बार फिर से यहां सजने लगी है। चुपके से फिर से बाजार में पैर पसारते चाइनीज माल की हिस्सेदारी बाजार में लगभग 40% पहुंच गई। दीपावली पर चांदनी मार्केट में चीनी लाइट बेची जा रही है। चाइनीज सामान के बहिष्कार और काव्यान साल दर साल बिहार के बाजार में दम तोड़ता नजर आ रहा और पड़ताल में सामने आया है कि पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार में चाइना से आए सामान की फिर से एंट्री हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, जमुई के एक ड्रग ड्राइवर की गुजरात में हत्या, सनसनी खेज मामले सामने आए हैं। एमआरओएस नाम की कंपनी में काम करने वाले 40 वर्षीय मुकेश कुमार की हत्या बीती 28 अक्टूबर को कर दी गई। जमुई में उनके परिजनों को 30 अक्टूबर को घटना की सूचना मिली है। हत्या की वजह मुकेश को मिली ट्रक ड्राइवर की नौकरी है। उसकी जगह पहले काम करने वाले ड्राइवर ने ही बदला लेने की मकसद से इस घटना को अंजाम दिया है। मुकेश के भाई बहादुर यादव ने बताया कि वह गुजरात के सूरत में एक प्राइवेट कंपनी की ट्रक चलाता था। हर दिन फोन पर बात कर की सारी जानकारी लेता रहता था। 27 अक्टूबर को परिवार वालों से बात हुई थी, बाद में 2 दिनों तक फोन नहीं आया। अगली बड़ी खबर, बगहा में इस बार छठ के लिए तैयारी को लेकर बगहा पुलिस जिला अंतर्गत सिर्फ बगहा नगर में 22 घाट बनाए गए। सभी घाटों पर मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। वहीं एम्बुलेंस को अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही सभी घाटों पर नाव की व्यवस्था भी की गई। SDM दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर कालीघाट नदी, गोलाघाट, कुशवाहा घाट में ऐसे छठ घाट बनाए गए हैं जो कि पूजा खतरनाक स्थल साबित हो सकता है। SDM ने बताया कि उक्त छठ घाटों पर छठ पूजा नहीं करने की अपील स्थानीय लोगों से कर दी गई। अगली बड़ी खबर, पटना एम्स ने स्टोर कीपर से लेकर जूनियर वार्डन तक के 280 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें सबसे अधिक 200 नर्सिंग ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पटना एम्स में आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी 30 दिनों के बाद आवेदन कर सकते हैं। पटना एम्स में निकाली गई भर्ती में सबसे अधिक 200 पद नर्सिंग ऑफिसर के हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना की पुलिस ने विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है, जहां 4428 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। शराब की बरामदगी थाना क्षेत्र के छपवा चौक से की गई है। वह भी पंचायत चुनाव के एन वक्त पर, जब पुलिस चौं ओर सतर्क व सक्रिय भूमिका में रहती है। इससे पता चलता है कि शराब माफियाओं का तार कितना गहरा व लंबा है, साथ ही इनके मंसूबे भी कितने मजबूत हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा से पटना विदेशी शराब की एक बड़ी खेप जा रही है। अगली बड़ी खबर, बेगूसराय के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के जम्मू काश्मीर में हुई शहादत से हर कोई आक्रोशित है। शहीद ऋषि कुमार के घर पर सुबह से ही उनके परिजनों की भीड़ लग रही। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री साहब बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के घर पहुंचकर परिजनों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान गिरिराज सिंह आतंकी वारदात पर काफी आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऋषि के खून के एक एक कतरे का बदला लेगी।
अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर राजद की मांग का असर होता दिख रहा। चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को दोनों सीटों की मतगणना में सुबह 8 बजे से बैलेट पोस्टल की वोटों की गिनती कराने की बात कही है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कमरे में ही होगी। राजद ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में कराने की मांग की थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सम्पन्न होने के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर है। उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को सामने आएंगे। मतगणना को लेकर राजद की मांगों को कुछ हद तक चुनाव आयोग ने मान लिया है। तो दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग 25 तरह की खबर हर एक सुबह मिलती रहे।